तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको फास्टक एरबा पैटर्न्स बताने वाला हूँ। बहुत टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रही थी कि आप फास्टक एरबा पैटर्न्स पर वीडियो बनाइए, तो देखिए आज ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। ठीक है, तो एक बार मैं मजा के दिखा देता हूँ आपको। तीन पैटर्न्स आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तीनों पैटर्न्स बहुत अच्छे होंगे और तीनों को ही आप लाइव प्रोग्राम में बिल्कुल यूज कर सकते हो। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस सही करना पड़ेगी। मैटर क्या है तीनों में कि बिल्कुल फ्रेशनेस आपको लेके आना है, अच्छे सफाई से बजाओगे तो ही ये पैटर्न्स अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो एक एक करके तीनों बजा के दिखाते हैं। पहले फर्स्ट वाला पैटर्न है जो कि थोड़ा इजी है, वो आपको बजा के दिखा देता हूँ मैं। देखिए फास्ट पैटर्न है, तो देखिए ठीक है, ये सिंगल ता वाला पैटर्न है, इजी भी है और भराव भी बिल्कुल लगेगा इसमें। अब देखिए आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना आप एडवांस बजाएंगे उस पैटर्न को, उतना ही अच्छा बजेगा। ठीक है, तो एक तो ये इजी वाला पैटर्न है जो था, ये सिंगल ता वाला पैटर्न है। अब जो डबल ता वाला पैटर्न है, ठीक है, वो वाला देखिए अब आप। तो ये 1 2 3 4 आपका डबल ता वाला पैटर्न है। अब इसी पैटर्न में छल्ला यूज होता है, ठीक है, तो उसको भी एक अलग पैटर्न के रूप में अपन ले सकते हैं। वो पैटर्न भी आपको सीखना जरूरी है क्योंकि मीडियम स्पीड और फास्ट स्पीड इन दोनों के बीच में भी अगर आपको बजाना हो ना, तो वो वाला पैटर्न छल्ले वाला सबसे अच्छा है। तो वो आपका थर्ड पैटर्न है, तो वो एक और बार मैं आपको बजा के दिखा देता हूं। देखिए 1 2 3 4 ठीक है, तो ये तीनों पैटर्न थे आपके। मुझे एक बार कमेंट करके आप ये बात जरूर बताना कि आपको तीनों में से सबसे अच्छा पैटर्न कौन सा लगा। और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इसको लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे हमेशा ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका फर्स्ट वाला जो पैटर्न है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ कैसे बजेगा। एक और बार सुन लीजिए आप उसको। 1 2 3 4 ठीक है, वो जब डबल ता वाला और छल्ले वाला पैटर्न आपने सुना होगा ना, तो उसके बाद में ये वाला पैटर्न आपको बहुत फीका लग रहा होगा, लेकिन ये भी जरूरी है। जब स्पीड बिल्कुल बहुत हद तक चली जाती है वहां पर यही वाला पैटर्न आपके काम आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बजाना। सबसे पहले इसके बोल बजा देता हूँ। इसके बोल क्या होंगे, बोल देखिए। दिन तातिक गहना दिन तातिक गहना दिन तातिक गहना दिन तातिक गहना। ठीक है, एक और बार। दिन तातिक गहना दिन तातिक गहना दिन तातिक गहना दिन तातिक गेना। ठीक है, सही से इसको बोलना सीख लेना आप, क्योंकि थोड़ा बोलने में आपको अटपटा लगेगा। जब अगर आपने इसको बोल लिया तो आप इसको बजा भी आसानी से लोगे। ठीक है, फिर से देखना बिल्कुल स्लो में। ये दिन तातिक गेना दिन तातिक गेना दिन तातिक गेना दिन तातिक गेना। ये दिन के बाद जो गैप है ना, इस गैप का आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, ये दिन वन लगा लेना अगर आपको गैप समझ में नहीं आया, तो दिन वन तातिक गेना दिन वन तातिक गेना दिन वन तातिक गेना ऐसा कर देना। तो चाटी साइड से देखिए कैसे बजाना है। बोल्स को आप नोट कर देना। ठीक है, दिन तातिक गेना दिन तातिक गेना दिन तातिक गेना। अब चाटी साइड से सिर्फ दो ही वर्ड बज रहे हैं, एक तो छल्ला बज रहा है और एक ता बज रहा है, मीन्स ना। ठीक है, ये दिन तातिक गेना दिन तातिक गेना दिन तातिक गेना। ठीक है, दोनों आपको साथ में बताऊंगा ना, ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। पहले बाएं साइड से देख लीजिए कैसे बजाना है। ये दिन तातिक गेना दिन तातिक गहना। अब जो ग गहना लगा रहा हूँ ना, इसमें डबल बेस आपको यूज करना है। ये दिन ता यहाँ तक बजा लेंगे, दिन तातिक इतना आप बजा लोगे। ये दिन तातिक गहना लास्ट की चीज समझना बस, ग गहना ग गहना ग गहना ऐसा। ये दिन तातिक गहना दिन तातिक गहना दिन तातिक गहना दिन तातिक गहना दिन तातिक गेना दिन तातिक गेना दिन तातिक गेना। अब वन की काउंटिंग अगर अपन लेंगे उस गैप की जगह, तो देखिए दिन वन तातिक गेना दिन वन तातिक गेना दिन वन तातिक गेना। ठीक है, जैसा आपको इजी लगे वैसा आप बजाना। अब दोनों साइड से देखिए, समझेगा एक बार। ये दिन तातिक गेना दिन तातिक गेना। ठीक है, अब इसमें क्या करना है समझना। जब तक आप ये दिन तातिक गेना, अब ये जब ता और ती, ये जब ता और छल्ला, जब तक ये दोनों नहीं बज जाते ना, जब तक आपको उसको बेस को खुला छोड़ के रखना है इस तरह से। ये दिन तातिक गेना। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। ये दिन तातिक गेना
घे में जो स्लाइड लोगे ना वो बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, एकदम शार्प बिल्कुल। दिन तातिक घे ना दिन, तातिक घे ना दिन, तातिक घे ना दिन, तातिक घे ना, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड में बजाते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप जितनी स्पीड तक चाहो उतनी स्पीड तक इस पैटर्न को ले जा सकते हो। तो अब देखिए आपको जो सेकंड वाला पैटर्न है वो मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ एक बार, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले बता दो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको मुझे रोहतबला से रिलेटेड ऐसे लेसन मिलते रहेंगे। और अब आप मुझे कमेंट करके अपने क्वेश्चन भी बता सकते हैं, मैं 100% आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप वहां से जाकर भी फॉलो कर देना, क्योंकि जितने मेरे लाइव प्रोग्राम्स होते हैं मैं सारे उसके ऊपर लाइव जरूर करता हूँ। और इस लेसन से रिलेटेड या फिर अदर कोई से भी लेसन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वहां पर मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं। मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो देखिए सेकंड वाला पैटर्न एक बार बजा के दिखा देता हूँ, जो कि बिना छल्ले वाला और दो ता वाला पैटर्न है। तो देखिए 1 2 3 4 वाला थोड़ा अच्छा पैटर्न है, आपको ये स्पीड में अच्छे से बिल्कुल भराव के साथ काम आएगा पूरा। तो देखिए इसको कैसे बजाना है, इसके बोल देखिए। सबसे पहले इसके बोल क्या होंगे, इसके बोल भी ऐसे होंगे, बाएं साइड से ऐसे बजेगा, लेकिन फिर भी देखिए ये धा ता ताक गहना धा, 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 ता ताक गहना, ठीक है। बेस साइड से ऐसा ही है जैसे पिछले वाले पैटर्न में था, वही गैप आएगी, धा ता ताक गहना इस तरह से, धा वंता ताक गहना, धा वंता ताक गहना, पर ताता इसमें थोड़ा स्पीड से आ रहा है। तो अब चाटी साइड से देखिए कैसे बजाना है, बोल्स को नोट कर लीजिएगा आप। देखिए धा ता ताक गहना, धा ता ताक गहना, ठीक है। पिछले वाले पैटर्न में और इस वाले पैटर्न में ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें आपको छल्ले की जगह भी ता बजाना है, बाकी ऐसे ही बज रहा है पूरा, ठीक है। देखिए धा ता ताक गहना, धा ता ताक गहना, ठीक है। अब बाएं साइड से देखिए कैसे बजाना है, बाएं साइड से तो ऐसी इजी है बिल्कुल जैसा पिछले वाले पैटर्न में मैंने बजाया। देखिए धा ता ताक घेना, धा ता ताक घेना, धा ता ताक घेना, वापस आपको बेस को उतना ही वाइब्रेट होने देना जितने देर तक आप पहले होने दे रहे थे उसको पिछले वाले पैटर्न में। धा ता ताक घेना, धा ता ताक घेना, धा ता ताक घेना, धा ता ताक घेना, दोनों साइड से देखिए एक बार, समझ में आ जाएगा आपको इजीली। ये धा ता ताक घेना, धा ता ताक घेना, धा तक घेना, 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 ठीक है। आप जैसे ताज अपन ने दो ताज एक ही फिंगर से अपन ताज बजा रहे हैं दो बार, ऐसा आप दोनों ऊपर नीचे से ही बजा सकते हो, मतलब पहले थ्री फिंगर से और फिर फर्स्ट फिंगर से। धा तक घेना, तक घेना, तक घेना, तक घेना, तक घेना, तक घेना, ठीक है। दोनों तरह से आप बजा सकते हो। तो ये आपका सेकंड वाला पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है, उम्मीद है आपको सही से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। तो अब आपका थर्ड पैटर्न में बताता हूँ, देखिए थर्ड पैटर्न आपका कैसे बजाना है। आपको पहले थोड़ा सा बजा के सुनना देता हूँ उसको, देखिए 1 2 3 4 आपका वो वाला पैटर्न है थर्ड वाला। तो देखिए इसको कैसे बजाना, सबसे पहले इसके बोल देख लीजिए, इसके बोल क्या होंगे। देखिए धा तीता ताग धीता, धा तीता ताग धीता, धा तीता ताग धीता, एक और बार देखिए धा तीता ताग धीता, धा तीता ताग धीता, धा तीता ताग धीता, सही से इसको बोलना याद कर देना, फिर इसको बजाने की कोशिश करना। एक और बार धा तीता ताग धीता, धा तीता ताग धीता, धा तीता ताग धीता, धा तीता ताग धीता, ती और धी इन दोनों जगह पर आपको छल्ला यूज करना है, ठीक है। वो बता दूंगा मैं, आप चाटी साइड से देख लीजिए, बोल को नोट कर देना आप। देखिए ये धा तीता ताग धीता, धा तीता ताग धीता, धा तीता ताग धीता, ठीक है। चाटी साइड से इजीली आपको चलाना आ जाएगा इसको। ये धा
तीता तग धीता दा, तीता तग धीता दा, तीता तग धीता, मीन्स आपको कैसे चलाना है साइड साइड से देखिए। ठीक है, आसानी से आपके हाथ में फिट हो जाएगा, ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आपका हाथ इसको बजाने लग जाएगा, थोड़ी देर आपने बजाया तो इसको। ता ती ता ताक ती ता ताक ती ता। ठीक है, तो बाएं साइड से देखिए कैसे बजाना है। ये जो अपन पैटर्न अभी बजाना सीख रहे हैं ना, ये बहुत सारे सॉन्ग्स में भी इसका यूज हुआ है। ठीक है, तो बाएं साइड से देखिए कैसे बजाना है। ये धा ती ता ताक दी ता धा ती ता ताक दी ता धा ती ता ताक दी ता। बेस आपको ऐसे ही चलाना है, और मैं जिस तरह से बेस चला रहा था वो धा तीता तक दीता धा तीता तक दीता धा तीता तक दीता। मैं जो धा आता है ना, उसके बाद में थोड़ा सा इसको आगे में स्लाइड कर रहा था धा, ऐसा करके धा तीता तक दीता धा तीता तक दीता। एक ही बात है, या तो आप लास्ट में स्लाइड कर दो, या फिर आप धा बजाने के बाद में थोड़ा सा स्लाइड कर दो। ठीक है, ये धा तीता तक दीता धा तीता तक दीता धा तीता के बाद में जो आपको खाली स्पेस मिल रही है ना, धा तीता तक दीता, इसका यूज किया है सिर्फ अपन ने कि उसको अपन ने आगे स्लाइड कर दिया। धा तीता तक दीता धा तीता तक दीता धा तीता तक दीता धा तीता तक दीता। ठीक है, आप दोनों साइड से देखिए एक बार स्लो में बिल्कुल ये। अगर अपन अब लास्ट में बेस स्लाइड करेंगे तो कैसा लगेगा? ठीक है, दोनों टाइम आपको स्लाइड नहीं करना है। जैसे आप ऐसा नहीं कि आप लास्ट में भी स्लाइड कर दो और शुरुआत में भी ऐसा कर दो, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा टफ लगेगा आपको बजाने में। ठीक है, देखिए वापस से। ठीक है, थोड़ी देर आपने इसकी प्रैक्टिस करी तो आसानी से आपके हाथ में आ जाएगा। आप थोड़ी स्पीड में बजा के देखते हैं इसको, देखिए। ठीक है, तो ये आपके तीनों पैटर्न्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तीनों पैटर्न्स बहुत अच्छे हैं। आपको कौन सा पैटर्न सबसे ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करो, और कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई भी अदर क्वेश्चन हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।